हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स। मैथ्स 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 हमारा शुरू था। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अगर आपको अच्छे से आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर रूट आपने सीखा था निकालना, क्वेश्चन नंबर 2-3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है जिसके अंदर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के अंदर 4 सब क्वेश्चन है। मैं आपको दो ही क्वेश्चन बताऊंगा, काफी लंबे सोल्यूशन है, बट करना वही है जो आपने इस एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किया था, बट दो टाइप के क्वेश्चन मिला के एक ही टाइप में करना होगा। एकदम ध्यान से देखो, एक अगर आ गया तो सारा आप खुद से कर लोगे। क्या दिया है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई एक्स माइनस 1 माइनस 7 आई इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर आप कंपेयर करते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, सो ए इज इक्वल टू आ जाता है 1। फिर x के साथ यहाँ b है, देखो b यहाँ x के साथ क्या है, देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ऑफ 2 प्लस आई, ये b आ गया। c कांस्टेंट, ये c है, c इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 आई। ये जो ब्रैकेट के पहले माइनस या प्लस होता है उसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो आपको पता है पहले आप डेल्टा निकाल सकते हो अलग से, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। वी हैव क्या फॉर्मूला था, ये जो x होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख दो, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है देखो माइनस माइनस ओके पहले से माइनस है 2 प्लस आई, इस तरह से प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या है वो माइनस ऑफ 2 प्लस आई द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, ए है 1 और सी क्या है देखो माइनस 1 माइनस 7 आई। इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो, दो नेगेटिव या प्लस दो कोई भी चिन्ह जो है एक साथ नहीं आना चाहिए। अपॉन अपॉन क्या है देखो 2 इंटू ए, ए क्या है 1। चाहिए तो आप ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी को पहले अलग से निकाल के रखोगे तो भी चलेगा, बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देने का सिर्फ, या ऐसे करोगे तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस आई, इतना आ गया प्लस माइनस। इसको सॉल्व किया जाए, रूट है ये, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो फर्स्ट ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू आई 4 आई प्लस आई स्क्वायर आ जाएगा, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 4 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों में करो, 4 वन जा, अभी देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो 4 वन जा 4, एक स्टेप और कर दें, ये 1 माइनस 7 आई अपॉन क्या है 2 वन जा 2, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस आई प्लस माइनस। अगर इसको यहीं कर देते तो माइनस माइनस प्लस, 4 वन जा 4, 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते तो ये और सिंप्लीफाई यहीं हो जाता, एक एक स्टेप बढ़ जाएगा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। या तो आप बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू पहले ही निकाल के रखो और डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख दो तो भी चलेगा और इजी हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 4 वन जा 4, 4 इंटू माइनस 7, तो माइनस 4 7 जा 28 आई। ऐसा क्यों किया मैंने, मुझे एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। ओके, अब देखो ये क्या है कि सबसे पहले ये 4 प्लस 4 8, ओके इसको साइड में अगर आप कर लेते हो तो ये 4 है, 4 प्लस 4 8, चलो और एक स्टेप कर ही देते, 4 प्लस 4 8 और ये 4 आई माइनस 28 आई, 4 आई माइनस 28 आई माइनस 24 आई, और आई स्क्वायर को आप माइनस 1 लिखो, एक स्टेप और बढ़ा देते हम, इज इक्वल टू 2। तो फाइनली हमें क्या मिल गया देखो, 2 प्लस आई प्लस माइनस, यहाँ पर मिला 8 माइनस 1 7 माइनस 24 आई अपॉन 2। सो ये आपको x मिल गया, x की दो वैल्यूज मिल गई यहाँ पर, ओके ये 2 था इसको यहाँ रख देते, x की दो वैल्यू मिल गई, एक तो x है 2 प्लस आई प्लस माइनस रूट 7 माइनस 24 आई अपॉन 2 में, एक प्लस है और एक माइनस है,
बट ये जो आया ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 - 24i का स्क्वायर रूट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? आपने ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके स्टार्टिंग में ही देखा था कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रूट 7 - 24i है इसका स्क्वायर रूट को हम a + bi मान लेंगे। याद करो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सिखाया था, स्क्वायर रूट वाला। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये स्क्वायर रूट वहाँ चला गया, तो ये 7 - 24i और ये हो जाएगा a + bi द होल स्क्वायर। याद आ रहा है सारे स्टेप्स यहाँ फिक्स होते थे, a² + 2ab² + bi² होल स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आई स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² + 2ab² - 1 होता, -1 × -b² ये हो जाएगा a² - b² और प्लस ये हो गया 2abi। यहाँ पर क्या है, 7 - 24i कंपेयरिंग a² - b² ये जो है दैट इज इक्वल टू 7 एंड ये जो i के साथ 2ab है, 2ab इज इक्वल टू i के साथ क्या, -24। सो ab इज इक्वल टू 2 × यहाँ पर आके डिवाइड हुआ, -24/2 - 12 है ना, 24 को 2 से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ से a या तो b की वैल्यू निकाल के रखो, चलो b की वैल्यू निकालते, b क्या आ जाएगा, a यहाँ पर आया तो -12/a, ये b की वैल्यू आई। इस b वैल्यू को यहाँ रख देना, ये b वैल्यू यहाँ रख दो। सो a² - b की जगह पर रखा -12/a, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सो a² - ये देखिए होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 12 का 144 और a² = 7। आगे क्या होगा, यहाँ पर आप a² से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, ये a² / में ना कट होने के लिए, तो ये a^4 हो गया, -144 यहाँ a² कैंसिल हो गया, यहाँ 7a² हो गया, a² से मल्टीप्लाई हो गया सब में। अब 7a² को यहाँ पर लेके आओ, a^4 - 7a² -144 = 0। अब ये जो 144 है इसका दो फैक्टर निकालो, प्लस माइनस करने पर 7 आता हो, 144 के दो फैक्टर निकालने। सो कैसे करोगे, देखो 16 9s 144 होता है, आप चाहिए तो फैक्टराइजेशन करके निकालो 144। टेंथ में आपने किया ना किस तरह से निकालते हैं, 16 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, 16 में से 9 गया 7, बीच वाला साइन माइनस है, बड़ा साइन बड़ा नंबर माइनस होगा, छोटा नंबर प्लस। तो यहाँ पर ये जो दो फैक्टर कर दो इस तरह से डायरेक्ट मेथड, यानी कि जो बीच में a² है वो आ जाएगा a² और एक में -16 आएगा और एक में +9 आएगा इस तरह से। फिर क्या करोगे, a² - 16 = 0 और a² + 9 = 0। ये जो मैं सब कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं आपको 1.2 में सिखा चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर पहला क्वेश्चन देखते हो तो क्या था, फाइंड द स्क्वायर रूट था, क्या था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नंबर्स है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो वो उसमें आप ये सारी चीज़ें सीख चुके हो, आप सबको आता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, फटाफट देख लो ये कैसे करना है। यहाँ हो जाएगा a² - वहाँ गया तो 16 और यहाँ पर हो गया a² = -9, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज फिर ये इमेजनरी नंबर हो जाएगा, a तो रियल नंबर होता है। यहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं a belongs to R, ओके इस तरह से। अब a क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस तरफ गया तो +-√, 16 का square root 4। सो a की वैल्यू +4 या -4 आई, बट यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना था a + bi। तो आप लिखोगे इफ़ a = +4 देन b = b, क्या आ जाएगा यहाँ से b -12/a, जो b है -12/a a अगर +4 है सो -3 आ गया, और इफ़ a = -4 देन b = -12/a की जगह -4, 4 × 3 = 12, सो ये +3 आया, ये भी 4 × 3 है, तो या तो -3 आएगा या 3 आएगा b की वैल्यू। सो a + bi क्या आया, ये जो a + bi है जो इसका स्क्वायर रूट है √7 - 24i, ये a + bi आएगा, तो a क्या है = 4 और +bi मतलब -3i है, b क्या है -3i, और या तो 4 - 3 आएगा या तो -4 और +3i आएगा। तो a + bi ये जो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखो। अब आगे इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर ये जो रूट है इस रूट का आंसर a + bi था, a + bi ये आया है,
और इसको अब यहां पर लिख के करते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम वन में क्या है, देखो ये x इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे a प्लस बी आई इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस 4 माइनस 3i दिखाई दे रहा है क्या? यस, देखो ये प्लस 4 माइनस 3i, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 4 माइनस 3i इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ये वाला 2 प्लस आई प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, देखो रूट 7 माइनस 24i, रूट 7 माइनस 24 ए प्लस बी आई, ए प्लस बी आई भी क्या है 4 माइनस 3i प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस समझो इंटरचेंज हो गया, ओके 4 माइनस 3i, ओके यहाँ पर इसका प्लस माइनस और पहले से प्लस माइनस वही रह जाएगा, अपॉन क्या है देखो 2 अपॉन 2, सॉल्व कर दे x इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, प्लस वाला आंसर आएगा और माइनस वाला आंसर आएगा, ये आएगा 2 प्लस आई प्लस 4 माइनस 3i अपॉन 2, ओके और x इज इक्वल टू 2 प्लस आई टू और ये माइनस ले लेंगे माइनस 4 माइनस 3i अपॉन 2, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे? ये पूरा आ रहा है। चलो देखो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू देखो ये प्लस में है तो 2 प्लस 4 6 1i माइनस 3i तो माइनस 2i अपॉन 2 और ये क्या होगा 2 माइनस 4 तो माइनस 2 1i प्लस 3i तो प्लस 4i अपॉन 2, फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से कट करो तो ये हो गया 3 माइनस आई और यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से कट करो तो x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू लिखना, 2 कॉमन लिया तो ये माइनस 1 प्लस 2i आ गया, तो ये या तो ये आंसर आया x की वैल्यू या तो ये आंसर आया, इसको वापस लिखते x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1i प्लस 4i अपॉन 2, दिखाई दे रहा है? ओ ये नहीं दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा ना, ये नीचे लाइट है यहाँ पर, देखो ये क्या हो गया माइनस 2 प्लस 4i अपॉन 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2i अपॉन 2 ये हो गया, और इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लो 2 से कैंसिल हो गया तो माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर है ना, ये 2 कॉमन लेकर 2 से कैंसिल किया माइनस 1 प्लस 2i, सो ये x की दो दो वैल्यू आ गई, हमें क्या करना था सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ x की वैल्यू निकालनी थी, कैसे कर दिया x की वैल्यू निकालने के लिए, सबसे पहले इसको फॉर्मूला मेथड के लिए a b c निकाला, फॉर्मूले में रख दिया वैल्यू, तो यहाँ पर इसको जो रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट निकाला, इसका स्क्वायर रूट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, इसको a प्लस बी आई कंसिडर करके a की दो वैल्यू आई, उस दो वैल्यू से b की दो वैल्यू निकाला, फिर a प्लस बी आई की वैल्यू आ गई, उस a प्लस बी आई यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका स्क्वायर रूट था a प्लस बी आई, तो ये जो स्क्वायर रूट था वहाँ पर a प्लस बी आई की वैल्यू रख दी, ये यहाँ पर तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दो बार लिख दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिल गया, कॉपी कर लो इसको। अब फोर्थ में सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीन क्वेश्चन है, तीनों इसी तरह से करना है जैसे मैंने पहला आपको बताया, ओके तो अब सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको शुरू करके देता हूँ, फाइनली आप पूरा इसको कंप्लीट करोगे, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है, इसको कंपेयर करोगे तो फिर से ये एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, x के साथ b है, b क्या है देखो माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i इस तरह से है, और ब्रैकेट वगैरह का ध्यान रखो, और ये जो अकेला है वो c है 6 रूट 2i, ए बी सी निकाल लेने के बाद आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डेल्टा होता है इसको पहले ही निकाल के रखो अलग से, नहीं तो खाली फोकड़ हमारे स्टेप्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था फॉर्मूले के अंदर ही जैसे हम करते वैसे कर दिया था, बट यहाँ पर अलग से कर लो ताकि स्टेप्स कम लगे, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i ये b हो गया और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, a 1 है इंटू c, c है 6 रूट 2i, सिंप्लीफाई करो माइनस का होल स्क्वायर प्लस और ये a प्लस b है इसका होल स्क्वायर करो a स्क्वायर तो 3 स्क्वायर 9 रूट 2 स्क्वायर 2 यानी इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 3 6 2 जा 12 रूट 2 12 रूट 2i मतलब a 2 इंटू ab ऐसे किया फिर प्लस ये जो 2i है इसका स्क्वायर होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ये i स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 4 6 जा 24 रूट 2i
सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 18 और ये 12√2i हो गया, ये i स्क्वायर माइनस वन होता, माइनस वन इंटू प्लस फोर माइनस फोर हो गया, -24√2i। ये नंबर 18 और माइनस फोर एक साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 18 में से 4 गया तो 14, 12√2 में से -24√2 करोगे दोनों में i है तो 24 से 12 गया तो 12 और √2i, 24 और 12 में 24 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो माइनस, तो ये क्या आया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डेल्टा होता है वो आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, वी हैव इस तरह से लिखना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी क्या है देखो, ये बी माइनस ऑफ माइनस क्या जाएगा 3√2 प्लस 2i, ये माइनस बी आ गया, बी ऑलरेडी निगेटिव था उसके बाहर एक माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर अलग से 14 माइनस 12√2i, ओके ये पूरा रूट में अपॉन 2 इंटू ए, नाउ ए इज व्हाट, ए 1 है। सो अगले स्टेप में देखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस 14 माइनस 12√2i अपॉन 2। अब ये जो आया है आपका, इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, फिर क्या करोगे, ये जो आया ना रूट 14 माइनस 12√2i इसका स्क्वायर रूट अलग से जैसे मैंने अभी बताया था वैसे फाइंड आउट करो, और वो स्क्वायर रूट कैसे, जो एक्सरसाइज 1.2 में पहले क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे उस तरीके से फाइंड करो, अब भी मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे करना है, और वो स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ रख देना, ओके इसके अंदर, फिर इसके दो आंसर आएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, सॉल्व करना आ जाएगा, इसके आगे आपको खुद से करना है, कंटिन्यू आप खुद से करो आ जाएगा, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसके ही आधार पर करना। मैं अभी तीसरा भी ऐसे ही आपको हिंट देता हूँ, ओके, और चौथा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा बिकॉज उसमें थोड़ा अलग है। अब देखो एक्स स्क्वायर मैंने ये वापस से यहाँ करेंगे, ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, बी इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या है माइनस ऑफ 5 माइनस आई है बी, एंड सी इज इक्वल टू यहाँ पर अकेले क्या है 18 प्लस आई, ये सी हो गया। सो आप सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से निकाल लो यहाँ पर, तो ये माइनस 5 माइनस आई ये बी है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए 1 है इंटू सी 18 प्लस आई है, सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 माइनस आई द होल स्क्वायर ऐसे हो गया, माइनस 4 वन द 4 और इसका अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, चलो अगले स्टेप में कर दे, 18 प्लस आई हो गया, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 जेड 10 आई प्लस आई स्क्वायर, माइनस 4 अंदर गया तो 18 फोर जात 72 होता है और 4 इंटू आई तो माइनस 4 आई, ये माइनस है तो अंदर गया, सो 25 हो गया माइनस 10 आई है, आई स्क्वायर होता है माइनस 1 होता है, ये माइनस 72 है और माइनस 4 आई, एक साथ फटाफट कर देंगे। देखो नंबर की बात करते, 25 माइनस 1 24, 24 में से 72 माइनस करोगे यानी 72 से 24 माइनस किया तो 48 आ गया, ओके तो 24 से 72 माइनस किया तो माइनस 48 आया, देन ये 25 माइनस 1 24 और 24 माइनस 72 था तो इस तरह से आया, माइनस क्यों है 72 बड़ा नंबर है, माइनस 10 आई माइनस 4 आई दोनों भी माइनस में तो ऐड हो जाएगा माइनस 14 आई, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आ चुका है। ये अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वी हैव ये आपका एक बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर है, वी हैव इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो x इज इक्वल टू माइनस बी, अगेन माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस, 5 माइनस आई आएगा डायरेक्ट करता हूँ एक स्टेप, इसके पहले माइनस था और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस ये जो स्क्वायर रूट है ये क्या आया माइनस 48 माइनस 14 आई ये आ गया अपॉन 2 इंटू ए, ए क्या था 1 तो 2 इंटू 1 2 आ गया, सो ये आ गया एक्सप्रेशन नंबर 1। इसके अंदर अब आपको अलग से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है माइनस 14 माइनस आई माइनस 48 माइनस 14 आई इसका स्क्वायर रूट निकालो अलग से, और जब उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पर लाके रख देना, ओके तो सेकंड और थर्ड खुद से करोगे। अभी अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे नहीं आ रहा है आगे कैसे करना है, तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 बताया ना वो एक बार देख लो, फिर भी नहीं आ रहा तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में 4th वाला पूरा कंप्लीट करके बताता हूँ, वो देख लो, वो करने के बाद आप ये आगे खुद से करना, इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
फोर्थ में फोर्थ देख लो कंप्लीट इसको करते हैं, यहाँ पर इसको कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ है टू प्लस आई, ये ए आ गया है। बी की वैल्यू देखोगे एक्स के साथ है माइनस ब्रैकेट फाइव माइनस आई, बी मिल गया। और ये जो सी है सी टू इंटू वन माइनस आई जो अकेला था वो सी था, ये आ गया। अब आप फॉर्मूला लिखोगे वी, या तो आप पहले डेल्टा निकाल लो वो अच्छा रहेगा। डेल्टा डेल्टा यानी क्या होता है आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। बी स्क्वायर मतलब ये माइनस फाइव माइनस आई इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए क्या है टू प्लस आई, फिर इंटू सी, सी है टू वन माइनस आई, क्या आ जाएगा देखो ये माइनस का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस आई द होल स्क्वायर, तो फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस टू इंटू फाइव टेन आई प्लस आई स्क्वायर माइनस, ये अंदर गया तो फोर टू जा एट, फिर अंदर गया माइनस फोर इंटू आई माइनस फोर आई, अच्छा ये इंटू इधर भी है एक मिनट, हाँ यहाँ भी इंटू है एक मिनट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं देखो ये नंबर फोर है फोर इंटू टू एट करते हैं, ये है टू प्लस आई इंटू है यहाँ पर और ये वन माइनस आई है। अब इसके बाद देखो कैसे करेंगे, ये ट्वेंटी फाइव है माइनस टेन आई, देखो आई स्क्वायर होता है माइनस वन, अब ये माइनस एट इसको सॉल्व कर लो फटाफट, टू का मल्टीप्लाई दोनों में करो टू वन जै टू, टू इंटू माइनस आई माइनस टू आई, आई इंटू वन प्लस आई, आई इंटू माइनस आई आई स्क्वायर, टू का मल्टीप्लाई दोनों में किया और आई का दोनों में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो ये ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर होगा ओके, और ये माइनस टेन आई है, अब ये माइनस एट है इसको सिंप्लीफाई करते तो ये देखो ये आई स्क्वायर होगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन और टू थ्री हो गया, और माइनस टू आई प्लस वन आई तो माइनस आई हो गया, ये हो गया ट्वेंटी फोर माइनस टेन आई, माइनस एट अंदर गया तो माइनस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, माइनस माइनस प्लस एट आई, सिंपली इसको करोगे देखो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर माइनस जीरो हो जाएगा, और माइनस टेन आई प्लस एट आई तो माइनस टू आई आ गया, सिर्फ माइनस टू आई आ गया, तो जो हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो सिंपली माइनस टू आ चुका है। अब आप फॉर्मूला यूज़ करो वी हैव करके, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस बी, सो माइनस बी क्या है माइनस फाइव माइनस आई, ये माइनस बी है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आया माइनस टू आई आया हुआ है, इसको ऐसे रखो अपॉन टू ए, टू इन टू ए क्या है देखो टू प्लस आई, चलो आगे देखते हैं। सो ये हो गया x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव माइनस आई और प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस टू आई अपॉन, ये जो है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा आगे देखेंगे, तो ये आ चुका है इक्वेशन नंबर वन ओके। इतना आ चुका है, इतना तो अभी मैंने सेकेंड और थर्ड में भी इतना करके बताया, फर्स्ट में हमने इसके आगे सॉल्व किया था पूरा जो कंप्लीट सॉल्व करना है, ये जो रूट माइनस टू आई है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, हमने क्या सीखा था कि लेट ये जो रूट माइनस टू आई है माइनस टू आई, यहाँ से हम लोग इसको करते इसको ए प्लस बी आई कंसिडर करना, ये जो रूट के अंदर माइनस टू आई इसका स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करना पड़ेगा और बाद में इस इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, तो यहाँ सिर्फ माइनस टू आई बच जाएगा और इसका स्क्वायर होगा तो a प्लस बी आई द होल स्क्वायर, तो अब ये हो गया माइनस टू आई यहाँ है, ये a स्क्वायर प्लस, इसका डायरेक्ट आंसर याद है ना, है ना डायरेक्ट आंसर क्या था, चलो मैं करके ही दिखाता हूँ, प्लस टू ए बी आई प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, है ना। अब माइनस टू आई इज इक्वल टू देखो ये आई स्क्वायर माइनस वन हो गया, माइनस वन इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ये, और प्लस टू ए बी आई आ गया। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, देखो इस आई के साथ टू ए बी है, इधर आई के साथ माइनस टू है, कंपेयर करते तो ये आई के साथ टू ए बी और आई के साथ माइनस टू हो गया, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ है नहीं, तो आप ऐसे ले सकते हो जीरो है, ऐसे ले सकते हो जीरो, है ना, अगर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर तो जीरो माइनस टू आई ले सकते, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और टू ए बी इज इक्वल टू माइनस टू एंड टू ए बी इज इक्वल टू माइनस टू, सो ए बी क्या हो गया माइनस टू अपॉन, देखो बी ओनली बी चाहिए, ओनली बी क्या आएगा माइनस टू अपॉन टू ए, सो बी क्या आ गया माइनस वन अपॉन ए, ये बी आ गया,
अब ये b की वैल्यू यहाँ रख दो, देर फोर ए स्क्वायर माइनस b की वैल्यू यहाँ रखो माइनस वन अपॉन ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो ए स्क्वायर, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, वन स्क्वायर वन, और ये ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू जीरो, जीरो आ रहा है। अब यहाँ वापस वैसे ही करो, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेज टू फोर माइनस वन, यहाँ ए स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ तो जीरो, सो ए रेज टू फोर इज इक्वल टू माइनस वन आ गया तो प्लस वन। ओके, अब ए रेज टू फोर का ए जो है ना, ये ए रेज टू फोर, ये फोर्थ रूट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो वन का फोर्थ रूट, और ये प्लस माइनस होगा क्योंकि इवन है ना, फोर टू फोर होता था ऐसे। सो ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन। अब ए की वैल्यू आई तो बी की वैल्यू कितने आएगी? ओके, व्हेन ए इज इक्वल टू प्लस वन, सो बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन प्लस वन, यानी माइनस वन आया। व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस वन, सो बी क्या आ जाएगा? बी माइनस वन अपॉन ए, ए अगर माइनस वन है, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस वन आया। ओके, सो अब हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पर रूट माइनस टू आई, रूट माइनस टू आई इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। तो ए अगर प्लस वन है तो बी माइनस वन है, सो ए, ए अगर प्लस वन है तो बी क्या है? माइनस वन है, तो माइनस आई, वन माइनस आई, ए वन है तो बी माइनस वन है, ए अगर प्लस वन है तो बी माइनस वन है, प्लस वन माइनस आई है। एंड दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा ए अगर माइनस वन है, तो इफ ए इज माइनस वन, माइनस वन प्लस बी, बी वन है तो प्लस वन आई, ये आंसर आया। सो क्या आ जाएगा फाइनली? रूट माइनस टू आई, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वन माइनस आई ऑलरेडी है, प्लस में इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी वन माइनस आई होगा, एक माइनस आएगा, तो हमारा दो आंसर आ रहा है इसका। ओके, अब ये आ गया इसका। अब फ्रॉम वन करो, फ्रॉम वन फाइनली तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस आई, फाइव माइनस आई प्लस माइनस, देखो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू आई था, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू आई भी प्लस माइनस है, ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, इसको ऐसे ही रखने का, और ये आ जाएगा वन माइनस आई, इसका जो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस वही हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या था? अपॉन टू इंटू टू प्लस आई, तो ये रखो टू इंटू टू प्लस आई। अब क्या हो जाएगा? दो दो आंसर निकालेंगे यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस आई प्लस वन माइनस आई अपॉन टू इंटू टू प्लस आई। ओके, एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस आई माइनस वन माइनस आई, तो ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया तो फाइव माइनस आई माइनस वन, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज, अपॉन टू टू प्लस आई। सो ये क्या हो गया? देखो फाइव और प्लस वन मिलके सिक्स हो गया, फाइव प्लस वन सिक्स, और माइनस आई और माइनस आई माइनस टू आई अपॉन टू, अपॉन टू इंटू टू प्लस आई, ये आया। एंड यहाँ पर देखो फाइव और माइनस वन फोर हो गया, माइनस आई और प्लस आई कैंसिल हो गया, फाइव माइनस वन फोर अपॉन टू इंटू टू प्लस आई। अब आगे देखो क्या आ रहा है, ये सिक्स माइनस टू आई है, सिक्स माइनस टू आई, यहाँ से टू कॉमन लेंगे, टू कॉमन लेके टू से कट हो गया, सो क्या बचेगा? थ्री माइनस आई, एक्स क्या बच गया? थ्री माइनस आई अपॉन टू प्लस आई, देखो यहाँ से टू कॉमन आया और टू से कट हो गया, तो थ्री माइनस आई और टू प्लस आई बच गया, और यहाँ से टू से फोर को कैंसिल करो, टू टू सा फोर, तो टू अपॉन टू प्लस आई, एक्स की वैल्यू ये आ गई, और एंड दो दो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू ये टू अपॉन टू प्लस आई है, टू अपॉन टू प्लस आई, इस तरह से एक्स की दो दो वैल्यू आ चुकी है। इसको जो वैल्यू आई है ये एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस आई अपॉन टू प्लस आई, और ये इसमें अपॉन में आई है, कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं रखना चाहिए। तो ये आंसर तो आ गया है, बट इसको हम और मॉडिफाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से आई जो है हट जाए, उसके लिए क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो आप सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पर करके बताने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उसको नोटबुक में लिखते रहना, मैं ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसको कर लिया, ले लिया, चलो अब देखो यहाँ से मैं ये इसको हटाता हूँ, यहाँ से कैसे करेंगे देखो। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर है x इज इक्वल टू थ्री माइनस आई अपॉन टू प्लस आई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो अपॉन में टू प्लस आई है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट क्या होता है? टू प्लस आई है, प्लस की जगह माइनस ले लेना, सो x इज इक्वल टू, सो ये हो गया टू प्लस आई टू माइनस आई,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर यानी टू स्क्वायर फोर माइनस ये आई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर कैसे करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू माइनस आई माइनस थ्री आई, माइनस आई इंटू टू माइनस टू आई, माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई आई स्क्वायर हो गया। x इज इक्वल टू ये आई स्क्वायर माइनस वन होगा, सिक्स माइनस वन फाइव, माइनस थ्री आई माइनस टू आई तो माइनस फाइव आई, ये आई स्क्वायर माइनस वन होगा, फोर माइनस माइनस वन यानी फोर प्लस वन फाइव, यहाँ से फाइव कॉमन ले लिया, फाइव कॉमन लेके फाइव से कैंसिल किया तो ये फाइव की जगह वन बच गया माइनस आई। कैसे आया, यहाँ से फाइव कॉमन है तो वन माइनस आई बचा, फाइव से फाइव कैंसिल। देखो एकदम एक बहुत ज़्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट होता है शॉर्ट में करो। दूसरा आंसर क्या था, x इज इक्वल टू टू अपॉन टू प्लस आई, ये जो अपॉन में टू प्लस आई है उसका कॉन्जुगेट लो, जहाँ प्लस होता है माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो ये x इज इक्वल टू अपॉन में क्या होगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर टू स्क्वायर फोर माइनस आई स्क्वायर, टू का मल्टीप्लाई करो, टू टू ज़ा फोर माइनस टू इंटू आई टू आई, सो x इज इक्वल टू फोर माइनस टू आई अपॉन, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन, फोर माइनस माइनस वन फोर प्लस वन फाइव हो गया। सो इसको हम कैसे करेंगे, स्प्लिट कर देते, x इज इक्वल टू अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो फोर अपॉन फाइव कर दो माइनस टू आई अपॉन फाइव कर दो, तो हमें दो आंसर मिल गए, x की वैल्यू ये मिल गई और x की वैल्यू ये मिल गई। ये क्वेश्चन था यहाँ पर पहले मैंने सॉल्व किया था, उसको मिटा दिया, तो ये पूरा जो था उसके बाद लास्ट में वो जो स्टेप है उस स्टेप के बाद इतना करना है अलग से। ओके यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको, चलो ये फाइनल स्टेप है, चलो ये लास्ट स्टेप के बाद इतना करना। अब यहाँ तक आंसर है, इतना आंसर करके छोड़ोगे तो मार्क्स कट भी सकता है, इसलिए ये करने के बाद उसको और मॉडिफाई करना। अपॉन में जैसे डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफाई करने का 1.1 में ये सारी चीज़ें आपने सीखी है, इसको कॉपी करना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन नंबर फोर किया, क्वेश्चन नंबर फोर में फोर सब क्वेश्चन थे, बहुत ही लंबा सोल्यूशन था। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर वन में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, वो भी इसके बीच में स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर टू थ्री में हमने जो सोल्यूशन निकालना सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी हम कर रहे थे, तो काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर वन और फोर मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताया, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में मैंने हिंट दिया आधा सॉल्व करके बताया, और जहाँ स्क्वायर रूट आता था वो आपको करने बोला है, तो उम्मीद करूँगा आप खुद से करोगे। और ये जो चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसके अंदर जो 1.2 है ये भी, 1.1 ऑलरेडी इतना लंबा एक्सरसाइज था, 1.2 में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अभी भी 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पर अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन है जो अपने आप में एक अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊंगा, जिसमें 5 सब क्वेश्चन है वो सब लेके आऊँगा। तो ये जो 1.2 हमारा अगर फिनिश हो जाता है तो समझो कि हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म होगा, इसके बाद कुछ नहीं है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 1.3, 4 जो भी है वो इजीली है, ओके, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 1.2 आप कैसे भी पहले फिनिश करके रखो। उम्मीद करूँगा आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ज़रा भी यूज़फुल है, मैंने इस चैनल पर 11 साइंस के लगभग सभी चैप्टर्स करा दिए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ कुछ कंसेप्ट बाकी है जो कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते हैं, तो वो मैंने भी नहीं सिखाया था, लेकिन इस साल जो बचे हुए कंसेप्ट है कुछ कुछ, वो सब मैं कराने वाला हूँ। आप जो भी चैप्टर सीखना चाहो, दिनेश सर लाइफ स्टडी ये जो चैनल, उसके होम पेज पर 11 स्टैंडर्ड की जो प्लेलिस्ट है मैथ्स 1 मैथ्स 2 की, उसमें जाइए, उस प्लेलिस्ट में जाइए, सीरीज में सब वीडियोज आपको मिलेंगे। उम्मीद करूँगा सब कुछ पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों में भी शेयर करो इस चीज़ को, कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कंसेप्ट के साथ।